गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी है। आज हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में? इनइक्वेलिटी पढ़ रहे थे। लॉग हमने बेसिक में आपका स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सेट इंटरवल पढ़ लिया है हमने बेसिक में। दूसरा बेसिक में हमने क्या पढ़ा है और कुछ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के बारे में, फिर कुछ इसके बाद लॉग पे हमने काफी काम किया है। अभी तक हम लॉग ही पढ़ रहे थे। पिछला लेक्चर में इनइक्वेलिटी हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में इनइक्वेलिटी पे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ रेशनल इनइक्वेलिटी करेंगे। रेशनल इनइक्वेलिटी के बाद फिर हम इसको ये इनइक्वेलिटी के बाद फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेलिटी की बात करेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वेलिटी के बाद मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। फिर से मैं वही बातें पिछले वाली बातें दोहरा रहा हूं कि मॉडुलस के इनइक्वेलिटी भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने अगले चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ा कंटिन्यू किया जाए ना, कोई बकवास ना करते हुए, बिना किसी बकवास के आगे हम तो आओ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा, मैं पहला सवाल, मैं सवाल से स्टार्ट करता हूँ। सवाल से स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि भाई देखो, पिछले लेक्चर में हमने आपको रूल ऑफ इनइक्वेलिटी पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? रूल ऑफ इनइक्वेलिटी। रूल ऑफ इनइक्वेलिटी में आपने वो जो भी 6 या 7 रूल था, वो रूल हमेशा अप्लाई होता रहेगा, काम करता रहेगा, उसी के बेसिस पे आज हम सवाल करने जा रहे हैं। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको, क्वेश्चन है लाइक फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग 3x² - 4x प्लस आपका यहां पे है मान लो 2 - 2, तो उस केस में तो ये आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यस उसमें थोड़ा सा और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, x - 2 की पावर 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहले क्या इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्या इसको फैक्टराइज करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए, और हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये काम करता हूँ, सिर्फ x रख देता हूँ, अदरवाइज फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे उन सवालों पे भी। तो 3x² अच्छा जरा इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके क्या मिल रहा है जरा बताओ तो बच्चों, 3x² माइनस इसका फैक्टर 3x + 2x - 2 और ये x - 2 की पावर 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जरा बताओ यहाँ पे क्या आया, 3x कॉमन कर लिया हमने तो क्या बच गया आपका, x - 1 बच गया, यहाँ पे +2 कॉमन कर लिया, x - 1 बच गया, x - 2 की पावर 9 एक सुर में हो गया, सुर और ताल मेंटेन रहना चाहिए। 3x + 2 यहाँ पे है, ये 3x + 2 एक जगह हो गया और x - 1 एक जगह हो गया, x - 2 की पावर 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बोलो सही है। अगला नेक्स्ट करने से पहले मैंने कहा था कि पहला स्टेप कि फैक्टराइज द इक्वेशन, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा याद करो, मेक श्योर ऑल एक्स शुड बी पॉजिटिव, क्या सारे एक्स पॉजिटिव है, आप बोलो हाँ। तो तीसरे स्टेप की बात क्या हुई थी कि अगर सारे एक्स पॉजिटिव है तो आपने तीसरा स्टेप लिखा था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वेलिटी चेंज होगी, बट यहां तो हमको मल्टीप्लाई कुछ करना ही नहीं है, तो सीधे जंप करेंगे फोर्थ स्टेप पे कि गेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिलना है हर ब्रैकेट से, क्या ये 3x + 2 = 0 तो x = -2/3, फिर इससे ब्रैकेट से x = 1, इस ब्रैकेट से x = 2। मैंने कहा था गेट वैल्यू ऑफ x एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन, जरा नंबर लाइन पे पुट करते हैं। बताओ पहला x की वैल्यू 1 पुट किया, दूसरा x की वैल्यू 2 पुट किया और तीसरा x की वैल्यू -2/3, क्या नेगेटिव है तो सबसे पीछे -2/3 यहां आएगा। इसके बाद आप याद करो तो मेरा रूल नंबर 5 क्या चल रहा था कि नाउ पुट प्लस साइन पॉजिटिव साइन इन राइट मोस्ट साइड, देखो मैंने राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव डाल दिया। उसके बाद आप ग्रेजुअली पीछे आओ, धीरे धीरे पीछे आओ, पीछे आने पे जो भी आपका फर्स्ट नंबर से इनकाउंटर होगा उसको उसकी डिग्री चेक करो। बट उससे पहले एक चीज और मुझे याद आई, मैंने कहा था कि यहाँ पे देख लो ये इक्वल टू लगा होगा अगर, तो इन पे लगा देना कि इनको शामिल करना था, इक्वल टू लेना है तो इनको लगा देना कि इनको इंक्लूड करना था।
अब सबसे धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। टू मिला, टू से पूछा तुम किस ब्रैकेट के, बोला हम यहां से आए, इसके पूछे पावर कितना, बोला नाइन, हमने बोला नाइन, मतलब हमने खुद मेरा दिमाग काम किया, हमने बोला ऑड नंबर। अरे नाइन के बाद तो दिमाग में ऑड ही आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं ना कि इवन आ जाएगा दिमाग में, तो नाइन के बाद ऑड आया, और ऑड का मतलब आपने इसका प्लस से माइनस साइन कन्वर्ट कर लिया। फिर दौड़ के पीछे गए, पीछे गए, वन मिला, वन से बात किए, बात करने से पता चला कि वन पे वन इस ब्रैकेट से आया था, उससे उसकी डिग्री धीरे से पूछ ली कि तुम्हारी डिग्री कितनी थी, उसने कहा मेरी डिग्री थी वन, वन डिग्री मतलब मेरे ऑड नंबर, ऑड मतलब, हमने कहा कोई बात नहीं, हमको इतना ही चाहिए था, हम तो आगे कर लेंगे माइनस का प्लस। फिर पीछे गए, आया माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री आया, पूछे आप कहां से आए हो, बोला उस ब्रैकेट से, एड्रेस लेते हैं ना, कोई आता है मिलता है तो एड्रेस मांग रहे हैं, मतलब हालचाल पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए हो, तो पूछा मैं उस ब्रैकेट से आया हूं, मैंने पूछा अच्छा ठीक है आप उस ग्रह से आए हो, उस ब्रैकेट से आए, उस ग्रह से आए, उस ग्रह पे क्या हालचाल, क्या खबर है, बोला उस ग्रह के ऊपर जो है ना कि वन 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 लिखा था, मतलब ऑड था, ऑड था मतलब फिर से चेंज हो गया। फिर इतने के बाद चलो ठीक है सबकी खैरियत हमने पूछ लिया, अपने मन से इनको जो देना है हमने दिया कि देखो ये निगेटिव था, ये ऊपर पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है। अब जरा हमको, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमको देखे यहां पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मैंने क्या कहा था कि जब भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दिखेगा तो ऑप्ट यानी चूज पॉजिटिव साइन वैल्यू। पॉजिटिव साइन की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस टू बाई थ्री से वन, क्लोज इंटरवल यूनियन टू टू, और सबसे आखिरी में होता है प्लस इनफाइनाइट, सबसे पीछे होता है माइनस इनफाइनाइट, तो टू से इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये सवाल था लीनियर, अभी भी लीनियर इनइक्वालिटी की ही बात कर रहा है क्योंकि लीनियर चल रहा है। इसका मेथड, ये मेथड कौन से मेथड में नाम चला था, ये वेबी कर्व मेथड। क्या नाम था इसका, वेबी कर्व मेथड। अच्छा लीनियर को मैं इस वर्ड में से, इसमें से लीनियर गायब करता हूं, क्यों लीनियर गायब करता हूं, क्योंकि अभी ये लीनियर नहीं रह गया, आप देखो पावर ओवर सब बढ़ रहा है, तो लीनियर सिर्फ सिंपल इनइक्वालिटी बात कर रहा हूं, लेकिन हो रहा है अभी भी स्टिल इनइक्वालिटी से ही मेथड। अगले सवाल की तरफ आता हूं, बिना टाइम बर्बाद किए अगले सवाल की तरफ जरा आओ, चलो अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगला सवाल एक और मैं छोटा सा ही दे रहा हूँ, अभी भी ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बदल नहीं रहा हूँ यहाँ पे भी। ये है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फाइव माइनस एक्स, फाइव माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन जीरो, फाइंड एक्स, आपसे एक्स कह रहा फाइंड करने के लिए, फाइंड एक्स। तो बताओ सबसे पहले क्या, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो अपन लोग फैक्टराइज किए, एक्स यहां से बाहर निकला, ये हुआ एक्स, वन माइनस एक्स बचा ब्रैकेट में, पहला स्टेप कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे फाइव का फाइव ही रहा, माइनस ये टू एक्स को, अभी भी मैंने यहां पहले माइनस थ्री एक्स लिख लिया और माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख लिया। क्या पांच और दो का कोई फैक्टर होता है क्या कि माइनस तीन एक्स दे दे, बोलो होता है क्या, हाँ हो जाएगा, फाइव का और इसका हो जाएगा क्या, फाइव में से दो निकालेंगे तो तीन हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, ये हो गया x, 1 माइनस एक्स, ये हो गया 5 कॉमन कर लिया, तो ये हो गया आपका 5 कॉमन कर लिया यहां से, तो ये आया 1 माइनस एक्स, और यहां से आपने प्लस 2 कॉमन किया, 2x कॉमन किया, तो 1 माइनस एक्स आया लेस देन जीरो। जरा बताओ तो बच्चों, ये x है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 5 प्लस 2x हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स बच गया लेस देन जीरो। जरा बताओ तो ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या बन गया, या यहाँ से एक और, मतलब मैं ज्यादा इसमें आपका दिमाग नहीं खर्च करना चाहता, इसलिए एक माइनस कॉमन कर लिया, x x माइनस वन हो गया, 5 प्लस टू एक्स हो गया, यहां से एक और माइनस कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, और x माइनस वन लेस देन जीरो। स्टिल अब ये बन गया x x माइनस वन का होल स्क्वायर 2x प्लस 5 लेस देन जीरो। इस साइड देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूं, इस साइड लिख रहा हूं, क्या बन गया है ये, x x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 लेस देन जीरो। बताओ ये वाले से x की वैल्यू कितनी आई, सेकेंड स्टेप चल रहा है, गेट वैल्यू ऑफ x, यहां से कितनी आई 1, यहां से कितनी आई माइनस 5 बाई 2, समझ गए होगे कैसे। अगला स्टेप क्या कर रहा था, पुट देम ऑन नंबर लाइन सिस्टम,
पुट देम ऑन नंबर लाइन सिस्टम, यहां कहीं जीरो, यहां कहीं वन, यहां कहीं माइनस फाइव बाई टू, सबसे राइट साइड में प्लस, सबसे राइट साइड में प्लस, इसके बाद पीछे आए, मुलाकात किससे हुई, वन से, वन से मुलाकात हुई, हमने पूछा वन भाई कहां से आए हो आप, बोला हम इस ब्रैकेट से आए हैं, हम बोलेंगे अच्छा बता दो कि वहां पे क्या हालचाल क्या है, बोला डिग्री टू थी, पावर टू था, हमने कहा इवन, इवन मतलब प्लस का प्लस, फिर पीछे गए बोले जीरो, तुम कहां से आए हो भैया, तो ये आया यहां से, हमने बोला डिग्री कितनी थी, बोला वन, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, फिर पीछे गए माइनस फाइव बाई टू, बोला तू कहां से आया भाई, ये क्या बोलेगा मैं यहां से आया हूं, यहां से आया मतलब तुम्हारा डिग्री क्या थी, तो वन, वन मतलब आठ, माइनस का प्लस, अपने को फिर हमने इसको सबको दिया ये निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आपका एक चीज और देखा हमने कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा था, तो इसलिए इस बार यहाँ पे इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे, इसके लिए हॉलो सर्कल हम ऐसे लगा देंगे। अब आपसे, अब आपसे क्या मांग रखा है यहाँ पे इस सवाल के लिए, आपसे क्या मांग रखा है कि निगेटिव चाहिए, लेस देन जीरो मांग रखा है, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। तो अपन लोग अब आंसर लिखेंगे कि एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, कहाँ निगेटिव है, माइनस फाइव बाई टू से जीरो तक, तो माइनस फाइव बाई टू से आपका हो गया जीरो तक, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई, तो ऐसे रहेगा, ऐसे निकालेंगे माइनस फाइव बाई टू से जीरो आपका आंसर हो गया, किसी को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये अभी हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी सवाल करेंगे, बट अब हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब आपको रेशनल इनइक्वालिटी की तरफ लेके चलते हैं। अब आपका अगला जो हम सवाल कराने वाले हैं वो है रेशनल इनइक्वालिटी, और रेशनल इनइक्वालिटी में देखते हैं, आओ बच्चों रेशनल इनइक्वालिटी थोड़ा देखते हैं, रेशनल इनइक्वालिटी में थोड़ा सा आपका देखते हैं रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी कुल मिला के रेशनल ये बस नाम है, डराने उड़ाने के लिए है, कुछ है नहीं, आपको तो सिंपल जो इनइक्वालिटी जानते हो करना वही है, रेशनल बस लिख के डर जाते हैं जब कहीं टॉपिक दिखता है यार रेशनल इनइक्वालिटी, ये कौन सी बड़ा तोप आ गया यार, कुछ तोप ही नहीं है ये, कोई तोप नहीं है, कोई बड़ी सी तोप नहीं जिसमें कि बड़ा बारूद भरना होगा, कुछ नहीं है ये, सिंपल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा बताओ देखो, मैंने कहा कि एक मैं कोई सिंपल सा एक कोई फंक्शन लिख रहा हूं fx इक्वल टू, मैंने लिखा कि इससे मान लिख दिया कि x माइनस वन, x प्लस वन और मैंने लिखा x माइनस टू। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें भी कि इस तरह इसमें भी कहते हैं कि बाकी जो चीजें होती है फैक्टराइज करते हैं, सब कुछ काम करते हैं और करने के बाद फिर से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ऊपर से आया न्यूमरेटर से x की वैल्यू आया, x की वैल्यू 1 आया, यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आया और डिनोमिनेटर से आया x की वैल्यू 2। जो ऊपर से वैल्यू आती है न्यूमिनेटर से उसको हम बोलते हैं जीरोज, और जो डिनोमिनेटर से आती है इसको हम बोलते हैं पोल। बस एक नाम है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ये तो बस एक नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ किसको बोलते हैं पोल, ऊपर वाले को बोलते हैं जीरोज। कभी जीरोज और पोल आ जाए तो हमको जानना चाहिए कि क्या है। तो ये जीरोज हो गया, ये पोल हो गया। अब अगर मान लो कि किसी ने कहा कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या यहाँ पे इक्वल टू तो वैसे भी नहीं लगा है, तो आप इसको फिर से नंबर लाइन सिस्टम पे पुट करोगे, ये एक्स की सारी वैल्यू उठा के नंबर लाइन पे डाल दोगे, क्या क्या कहीं माइनस वन, कहीं वन, कहीं टू। अरे बात समझ में, बस एक बात है कि भाई इसमें इक्वल टू नहीं लगा है, तो हम एक बात जान रहे हैं कि आपका कहीं पे भी इक्वल टू साइन नहीं है, तो कहीं पे ये डार्क सर्कल नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो यहाँ पे तो देखो जितने जीरोज होंगे उन सब पे डार्क सर्कल लगा देना, लेकिन पोल पे पोल कभी इंक्लूड नहीं होता है। क्या हमने क्या बोला कि पोल Never be included in answer. Answer में कभी पोल को include गलती से भी मत करना। क्यों सर? क्यों? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? अड़ जाओ यार, एटीट्यूड है अपन का तो। क्या क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा? क्यों आप पोल को इंक्लूड नहीं कर सकते? मान लो इक्वल टू होने के बावजूद मैंने पोल को इंक्लूड कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू टू ले लिया, तो नीचे जीरो होते ही
कौन सी दुनिया में निकल गया ये इनफाइनाइट वाली, मतलब ये वो दुनिया में जिसकी जिस दुनिया जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब नीचे जीरो समथिंग अपॉन जीरो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इनफाइनाइट, जो कि इस दुनिया में होती ही नहीं है उस दुनिया में निकल गया। तो इसलिए हम x इक्वल टू टू यानी पोल की वैल्यू जो नीचे वाला x इक्वल टू आएंगे उसको कभी नहीं इंक्लूड करेंगे, अगर इक्वल टू होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, अगर होगा तो जीरो को इंक्लूड करेंगे पोल को नहीं, पहली बात। दूसरी बात एक और है कि मान लो कई बार ऐसा हो सकता है आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि सर ऐसा हो गया कि ऊपर भी x माइनस टू नीचे भी x माइनस टू, कहीं ऊपर x माइनस टू का मान लो होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ऊपर में x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो सर x माइनस टू से x माइनस टू काट देंगे तो नीचे वाला x माइनस टू ऊपर x माइनस टू चला जाएगा, तो उस केस में वो x माइनस टू जीरो बनेगा कि पोल बनेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि पोल कभी जीरोज नहीं हो सकता है, अगर वंस अ पोल इज ऑलवेज पोल, क्या और मैंने वो मैं बोल रहा हूं यहां पे वंस अ पोल, आगे लिखूंगा भी ये वंस अ पोल ऑलवेज पोल, अगर वो पोल कहीं से दिख गया तो वो पोल ही रहेगा चाहे वो ऊपर कटे या ना कटे, मतलब उसको कभी इंक्लूड नहीं करना है, तो वो तब भी सब कुछ लिखेंगे बट इंक्लूड नहीं करेंगे। फिलहाल मैं इसके लिए बात करते हैं, सबसे राइट मोस्ट साइड पे क्या डालेंगे प्लस, पीछे आया टू, टू से वही डिग्री पूछा वन आया वन की डिग्री और माइनस, फिर पीछे आया वन, वन का डिग्री वन यहां से आया था डिग्री वन, वन मतलब फिर प्लस और, फिर माइनस वन से पूछा डिग्री वन ये फिर माइनस, तो ये हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर वेवी कर, फिर से बनाएंगे ऐसे और ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहिए था तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मेरी बातों को कई बार पढ़ना, मैं यही बात एक बार और दोहराऊंगा, क्या हो जाएगा आंसर माइनस वन से प्लस वन यूनियन टू टू इनफाइनाइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। जरा देखो एक और सवाल करते हैं, सिमिलर में एक और सवाल करते हैं, जैसे तो मैं एग्जांपल ले रहा, जैसे मान लो सवाल पूछ रहा हूं फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस एट इंटू एक्स प्लस वन का पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, लेस देन r इक्वल टू 0, ध्यान से देख लो बच्चों, इतनी चीजें हैं, अगर ये हमसे कह रहा है तो अभी भी देखो है तो रेशनल इनइक्वालिटी, सवाल तो वही है, लेकिन बाकी सारा जो मेथड है वो पुराना वाला ही रहेगा। कौन पुराना वाला मेथड, कि फिर से रेशनल फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद सारे एक्स को पॉजिटिव बनाना है, अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो माइनस से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, फिर आपका गेट वैल्यू ऑफ एक्स, यहां से फिर से x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि x की वैल्यू निकालते समय न्यूमरेटर का अलग लिखेंगे डिनोमिनेटर का अलग लिखेंगे, न्यूमरेटर वाले को जीरोज बोलेंगे डिनोमिनेटर वाले को पोल बोलेंगे, बस इतना ही ट्विस्ट है, बाकी सारा काम वही, इक्वल टू लगा रहेगा तो जीरोज को यानी ऊपर वाले की वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में और नीचे वाली को कभी इंक्लूड नहीं करना है, सिंपल वही फंडा है बाकी सब। तो जरा निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जरा अपना काम तो करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन 3, 5, 8 का फैक्टराइजेशन कुछ 3 और 8 का फैक्टराइजेशन 5 हो सकता है क्या बच्चों, तो आपका जवाब आ रहा होगा यस सर हो सकता है, क्या 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8 और यहां पे ये हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 3 नीचे में हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, बताइयो जरा कितना आएगा इसके बाद, यहां से कॉमन हुआ x कॉमन हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 3x माइनस 8, यहां से प्लस 1 कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 8 बचेगा,
और नीचे में आपका हो जाएगा, अच्छा एक अभी है x प्लस वन का होल क्यूब बचा हुआ है, ये ब्रैकेट डाल दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, यहां से x माइनस फोर, जरा आगे एक लाइन आप मेहनत कर लेना बेटा, एक लाइन और लिख लेना, यहां से आपका x माइनस फोर और x माइनस वन दो फैक्टर आ गया, ऊपर से आपका आया 3x प्लस एट, यहां से आया आपका, यहां से x माइनस एक्स प्लस वन, पहले से पड़ा है x प्लस वन की पावर 3, नीचे में x माइनस फोर और x माइनस वन, अभी भी अपने को परेशान नहीं होना है। इतने के बाद अभी देखो नीचे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने किया मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर में 3x प्लस एट और x प्लस वन का पावर एक और बढ़ जाएगा, तो x प्लस फोर, x प्लस वन की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वन और यहाँ पे x माइनस फोर और x माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब फिर से गेट वैल्यू ऑफ x, x की सारी वैल्यू पता करनी है, क्या न्यूमरेटर से क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर से आएगा 3x प्लस एट को जीरो करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस एट बाई थ्री, और यहां से x को जीरो किए तो आएगा माइनस वन, x प्लस वन को जीरो किया तो आएगा x इक्वल टू माइनस वन, नीचे वाले को से x माइनस फोर को जीरो किया तो x बराबर आया फोर, और x माइनस वन को जीरो किया तो x बराबर आया वन, चार वैल्यू आया उसको नंबर लाइन पे पुट कर दिया, क्या क्या आया माइनस एट बाई थ्री, माइनस एट बाई थ्री बताओ सबसे बड़ा क्या है, चार है फिर वन है फिर वन और माइनस एट बाई थ्री में कौन बड़ा, एक बार डिवाइड करके देख लो इसको, माइनस टू पॉइंट समथिंग होगा, तो माइनस वन से माइनस एट बाई थ्री छोड़ा छोटा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे राइट साइड में, अच्छा इस बार इक्वल टू लगा है बच्चों, देखो इसका भूलना नहीं है, यहीं से मिस हो जाता है, इसको भूलना नहीं है, तो इक्वल टू लगा है तो पोल देख लो, पोल कौन है, पोल है ये वाला, ये वाले पोल है, यहाँ पे जो आया है ये पोल है, जो ये आया है वो जीरोज है, तो पोल को तो पहले ही मार दो कि ये तो कभी हमको लेना ही नहीं है, ये हालो मार दो, यहाँ पे जीरोज है तो ये लेना है तो ये ले लिया, इधर में प्लस इंफिनिटी हो गया, इधर में देखो माइनस इंफिनिटी हो गया, इतनी बातें हो गई। अब सबसे राइट साइड में आपने डाला क्या प्लस, इसके बाद फोर आया, फोर से पूछा भैया तू कहां से, बोलेगा मैं यहां से, बोला डिग्री कितना, बोलेगा वन, वन डिग्री मतलब, वन डिग्री मतलब ऑड, ऑड का निगेटिव, फिर वन से पूछा यहां से आया, फिर डिग्री वन प्लस, माइनस वन से पूछा ये यहां से आया है, आया कि नहीं यहां से, और इसके पावर कितनी, इवेन, इवेन का मतलब माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि ये वाला जब इवेन हो गया तो ये चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे डिग्री ऑड हो रही थी, यहाँ पे डिग्री ऑड थी, यहाँ पे इवेन हो गई थी, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रही है, फिर माइनस एट बाई थ्री यहां से आया है, इसका डिग्री ऑड हो गया क्योंकि वन है, तो फिर ये चेंज हो गया माइनस वन। जरा बताओ, जरा इसका वे भी बता देते हो, वे भी कर्व मेथड, वे भी कर्व अगर बनाया तो कर्व इसका बनाया तो ये नीचे है, फिर ये यहां से, फिर ये नीचे से ऐसे निकल के गया, देखो तो ये आपका ऐसे आया, ये आया, ये नीचे से निकल गया, अपने को कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू वाला चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू सिर्फ इतना ही है क्या, देखो तो सिर्फ इतना ही है, दोनों पे ओपन लगेगा कि क्लोज, देखो तो x बिलोंग टू वन टू फोर, क्या यही इसका आंसर है क्या, बस यही आंसर है क्या, आई थिंक आप लोगों का आंसर यही आया रहा होगा, अगर किसी का उसी में से आंसर आया होगा कि नहीं सर माइनस एट बाई थ्री और वन को इंक्लूड करना था, क्योंकि इक्वल टू लगा है, हमने यहाँ पे लगाया भी है टार्क सर्कल, इंक्लूड करना था, इसका मतलब कि क्या लिखना हमको और चाहिए, यूनियन वन माइनस वन और माइनस एट बाई थ्री, अगर सिर्फ दो तीन नंबर्स लिखनी होती है, दो चार नंबर डिस्क्रीट नंबर एकदम बिल्कुल मतलब 10-20 काउंटेबल नंबर लिखनी होती है तो आप उन नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में डाल के लिख देते हो, तो आपने लिख दिया कि 1 से 4 तक तो सब कुछ है ही, साथ में सिर्फ माइनस, ये लिखने का तरीका होता है कि सिर्फ माइनस और माइनस एट बाई थ्री दो नंबर और आ गई हमारे पास, तो ये आपका रेशनल इनइक्वालिटी का एक सवाल बना। तो क्या ऐसे ही सवाल होंगे सर, बिल्कुल रेशनल इनइक्वालिटी पे सवाल ऐसे ही होंगे, कुछ और सवाल मैं बताता हूँ आपके सामने, कुछ और सवाल रखने चलो, देखो अगले सवाल पे हम बात करेंगे।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल है, अगर मैं सवाल लिखूं आपका कि फाइंड एक्स, वही सेम चीज, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग थ्री माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर एक्स प्लस टू की पावर 23 अपॉन एक्स माइनस वन की पावर एक्स माइनस टू की पावर सेवन टू एक्स माइनस टू की पावर सेवन और मैंने यहां पे कुछ डाल दिया फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस बार देखो, इस बार ध्यान से देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है अपना, फैक्टराइज करना। किसको फैक्टराइज करना? गिवन इक्वेशन को। इक्वेशन में फैक्टराइज करने लायक कोई चीज है क्या? आप देखो तो ध्यान से, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर, ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये आपका लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, बना लेते हैं। फिर अगली नंबर की, अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं, थ्री माइनस एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन दोनों की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चार चार दोनों के पास पहुंच जाएगा, एक्स प्लस टू की पावर 23 नीचे में एक्स माइनस टू की पावर सेवन, ये इसको जरा एक काम कर लेते हैं ना, माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। जरा देखो तो बच्चों, यहां भी थ्री माइनस एक्स था, इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या कहता है, मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। क्या देखो, ये वाला एक्स पॉजिटिव, ये वाला एक्स पॉजिटिव, ये वाला एक्स पॉजिटिव, ये भी एक्स पॉजिटिव हो गया बाहर माइनस निकाल के, क्या ये वाला एक्स पॉजिटिव है क्या? नहीं। क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन करेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, एक्स माइनस थ्री, फिर एक्स माइनस की पावर फोर, एक्स प्लस वन की पावर फोर, x प्लस टू की पावर 23 अपॉन नीचे में लिखा x माइनस टू की पावर 7। क्या ये माइनस वन का होल स्क्वायर करने से क्या माइनस बाहर आया कि उसी में सब नाच उसके खत्म हो गया? ये अरे इसी को ये हजम कर लेगा ना, ये तो डकार भी नहीं लिया, हजम भी कर लिया, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर, अब इस माइनस से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इधर उधर दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होते ही क्या बन गया यहां पे नए सिरे से, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन की पावर फोर प्लस एक्स प्लस वन की पावर फोर प्लस एक्स प्लस टू की पावर 23 नीचे आया एक्स माइनस टू की पावर सेवन इंटू एक्स माइनस फोर की पावर टू, और ये हो गया अब ग्रेटर देन से, इसकी दुनिया ही बदल गई, ये वो जगह हो गया, इसकी दुनिया ही बदल दिया हमने, और दुनिया बदल दिया तो अब क्या बच गया इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, तो भैया गेट वैल्यू ऑफ एक्स न्यूमरेटर से निकाला, डिनोमिनेटर से निकाला, न्यूमरेटर से एक्स की वैल्यू क्या आया, तीन यहां पे, एक यहां पे, एक माइनस वन यहां पे, यहां पे एक्स इक्वल टू माइनस टू, नीचे से क्या आया एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू फोर, नंबर लाइन बनाया, बनाया तो बनाया, क्या कर सकते हैं भाई, बनाया नंबर लाइन, उस पे वैल्यूज रखा, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है इसमें चार, चार रख दिया इधर, उसके बाद दिख रही है टू, टू रख दिया, उसके बाद दिख रही है हमको, नहीं टू नहीं दिख रही थी, थ्री दिख रही थी, थ्री ये छूट गया था, फिर दिख रही है अपने को टू, टू के बाद क्या दिख रही है वन, फिर उसके बाद माइनस वन, नहीं वन के बाद माइनस वन, फिर माइनस टू, कितनी वैल्यू दिख रही है, पांच, एक दो तीन चार पांच छह, छह कैसे हो गई, कितनी दिख रही है, एक एक दो तीन चार पांच छह, हाँ छह ही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है। अब इसके बाद भाई भाई होता है ना सावन के अंधे को सब अंधा, हाँ तो होता है ना कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है, तो यानी आपको ऐसा पढ़ाया गया है कि अब सबसे राइट मोस्ट साइड पे उठते ही आप डालोगे कि प्लस, ये तो आंख बंद करके डाल देना है, लेकिन इसके बाद पीछे आया, धीरे से पीछे आया, किससे मुलाकात, अच्छा उसमें भी एक चीज फिर से
पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। इक्वल टू लगा है तो ये वाले है जीरोज कहलाते हैं, और ये वाले जो नीचे वाले हैं वो कहलाते हैं पोल्स। पोल कौन है? चार और दो, मतलब चार पे हमने लगाया ये वाला ठप्पा और ये ठप्पा, और इस पे क्या लगाया भाई? इस पे गहरा वाला दाग लगाया, ले जो न छूटने वाला हो ऐसे दाग लगा दे, क्योंकि ये है जीरो, क्योंकि इक्वल टू लगा था। अब इसके बाद लगाया सबसे पहले उधर में प्लस, प्लस के बाद चार आया, चार से पूछा भैया आपकी डिग्री, बोला हमारी हमारी क्या हालचाल थी, तो ये था टू टू मतलब इवेन, इवेन मतलब यहाँ पे इवेन मतलब प्लस का प्लस। फिर पीछे आए पूछे भैया तीन आप कहाँ से आए हो, बोला हम तो यहाँ से आए थे, बोले आपका डिग्री कितना था, बोला वन था, मतलब वन मतलब आठ था, आठ का माइनस हो गया। फिर ये आपका टू से आए, टू से पूछा भैया आप कहाँ से आए थे, बोला हम तो यहाँ से आए थे, डिग्री कितना था, आठ, आठ मतलब माइनस का चेंज होके प्लस। फिर पीछे आए पूछे भैया वन आप कहाँ से आए हो, बोला हम यहाँ से आए हैं, बोले डिग्री कितना, बोला चार था, चार मतलब इवेन, इवेन का प्लस का प्लस। फिर पूछे माइनस वन भैया आप कहाँ से आए हो, बताया यहाँ से आया हूँ, इसकी डिग्री फिर से कितना, बोला बच्चा चार, चार मतलब इवेन, तो प्लस का प्लस। फिर पीछे आया पूछा माइनस टू भैया आप कहाँ से आए हो, ये बोलेगा हम तो यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हो मतलब इसकी डिग्री कितना है आपकी, बोला तेईस, तेईस का मतलब तेईस की डिग्री अगर है तो इवेन या आड़, तो हमने कहा आड़, तो प्लस का माइनस। अब हमने यहाँ से वे भी कर बनाया, देखो यहाँ से ये गया, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और ऊपर जाते समय कि यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा ऐसे। अब जरा देखो तो नीचे कहां है, लेस देन है, हमने देखा यहां पे क्या लिखा था लेस देन, तो लेस देन में नीचे कहां है, माइनस इनफाइनाइट से टू तक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू ओपन, माइनस टू पे क्लोज लगेगा। फिर ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यहां पे नीचे है यूनियन, टू पे ओपन थ्री पे क्लोज, क्या यही आंसर होगा या कुछ और छूट गया? जरा देखो तो माइनस टू इंक्लूड करना था, इंक्लूड है, माइनस वन इंक्लूड करना था, इंक्लूड है क्या, नहीं इंक्लूड करना पड़ेगा, वन इंक्लूड करना था, इंक्लूड है क्या, नहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी एक चीज करते हैं, लिखते चलते हैं, क्यों हम इसको छोड़े, माइनस वन वन दो हमने लिख लिया, आगे तीन को इंक्लूड करना था, इंक्लूड है, हाँ है, चार को इंक्लूड करना नहीं था, बाकी सब खत्म। तो क्या यही आपका आंसर आया था? आपका यही आंसर आया था तो बिल्कुल सही है, नहीं आया था तो फिर एक बार चेक कर लें, देखें कि वो आंसर नहीं आया था क्या गड़बड़ है, गलती इसमें होती है इसको लिखने में। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो अब थोड़ा सा अगले सवाल एक और करते हैं ऐसा ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा कुछ मान लो ऐसे, फाइंड एक्स, उतना सवाल मैं लिख नहीं रहा हूं, फाइंड एक्स बस यहां पे लिख रहा हूं, लिखा हुआ है एक्स प्लस वन की पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस प्लस आपका सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स। नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री की पावर हाँ सिर्फ हाँ पावर थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ये एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, छोटा सा। अब इस सवाल पे आओ, पहले पहला काम फैक्टराइज करना है, वो हमारा परम कर्तव्य है, नहीं है तो वो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो है, कोई आपत्ति नहीं थी, इसको फैक्टराइज किया, x माइनस सिक्स और x प्लस वन आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देख के निकाल लोगे, इसको आप निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बात आएगा, आप निकाल लेना, इतना तो आपको आता होगा। नीचे में इसका फैक्टराइज किया, इसका फैक्टराइजेशन आपको आता होगा कि x माइनस फोर और x प्लस वन है, और यहाँ पावर तीन है तो तीनों पावर दोनों पे बढ़ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, अब देखो जरा ऊपर पर बताओ x की पावर कितना, x प्लस वन की पावर फाइव हो गया क्या, ये x माइनस सिक्स, ये x माइनस फोर का क्यूब, ये x प्लस वन का क्यूब, x माइनस फोर का क्यूब, x प्लस वन का क्यूब, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। कहीं से कोई x कामन नहीं करना है, कोई माइनस कामन नहीं करना है, क्योंकि सारे x पॉजिटिव है, अपना काम बना हुआ है। अगला अब बताओ जरा यहाँ पे क्या ये x प्लस वन और x प्लस, यहाँ पे एक चीज और है, अब एक झगड़ा होगा यहां से कि सर x की वैल्यू हम कितना लिखे, क्या इसको काट के तीन लिख दे,
चाहे इसको काट के दो लिख दें ऊपर में या पोलिया ये सब हम कर लें। तो पहले काटने से पहले आप एक बार जीरोज और पोल लिख लें, यहीं पे जीरोज और पोल लिख लें। बताओ जीरोज क्या है? आपको लगेगा जीरोज है सर ऊपर से आया एक एक्स की वैल्यू माइनस वन और एक एक्स की वैल्यू आया आपका सिक्स और नीचे से आया आपका पोल जो आ रहा है तो नीचे से आया एक एक्स इक्वल टू फोर और एक आया x इक्वल टू माइनस वन। तो सर हम क्या लेंगे? x इक्वल टू फोर लेंगे पोल लेंगे, x इक्वल टू माइनस वन को पोल लेंगे कि जीरोज लेंगे? तो देखो मैंने क्या कहा, एक बार पोल हो गया तो हमेशा ही पोल रहेगा, मतलब ये माइनस वन तो पोल ही रहेगा, पोल ही रहेगा। ये वाली चीज को हम हटा देंगे, ये याद रखना। इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्यों होता है एक और बात बताता हूं इसमें, क्योंकि कोई कोई इसी को आगे लिख लेगा, इसी को लिख लेगा कि सर हम इसको काटना चाहते हैं, काट दिए, काट के क्या लिख दिए, x प्लस वन की पावर टू और ये x माइनस सिक्स और यहां पे x माइनस फोर का क्यूब लेस देन आर इक्वल टू जीरो। आपने काट दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, जब कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काटते हैं तो वो तभी काटते हैं जब वो डिफाइंड होती है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है और नीचे वाले को वन पे दिक्कत है, वन पे वो कटने से मना कर देगा, x इक्वल टू वन नहीं माइनस वन पे कटने से वो मना कर देगा, तो माइनस वन पे वो कटेगा नहीं, माइनस वन पे वैसे ही का वैसे खड़ा रहेगा, तन जाएगा कि हम नहीं कटेंगे क्योंकि माइनस वन पे मेरी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, इनफाइनाइट कर दे रहा है पूरे को। तो इसका मतलब हुआ, तो क्या सर इसको देख के अब तो हम जीरोज कह सकते हैं, पोल क्यों नहीं कह सकते? अब तो हम जीरोज कह सकते हैं, पोल कैसे नीचे से तो गायब हो गया? तो नहीं, एक बार इसने पोल की कैटेगरी में आया तो अब ये जीरो की कैटेगरी में अगर आ भी गया तो माना नहीं जाएगा, पता है ना, फेक है ये फेक है, कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। पोल आ गया एक बार, वंस अ पोल, एक बार ये पोल बन गया तो हमेशा पोल रहेगा, चाहे वो जितना वेशभूषा बदल ले। इसने वेशभूषा बदल के ऊपर चला गया लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जब वैल्यू, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू आएगी हमको रखना इसमें है, यहां और यहां नहीं रखना है, कहां रखना है, ओरिजिनली लाके ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है, और यहां जब माइनस वन रखूंगा तब नीचे जीरो होता रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो ये तो सवाल देने वाला तो इसको दिया था ना, ये तो ये थोड़ी दिया था, तो हम करके लेके आए थे। तो याद रहे क्या कि एक बार अगर नीचे कोई चीज आ गई और कट के ऊपर चली भी गई है तो वो हमेशा पोल में रहेगी, जीरोज में नहीं आएगी, क्योंकि जो आंसर आएगा वो हमेशा यहां ही पुट होता है, पहले वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल में नीचे नहीं पुट होता है। तो नीचे नहीं पुट होता है यानी नीचे यहां पे नहीं पुट होता है, इसका मतलब है कि यहां पे जो हम आंसर ले आएंगे इसको देख के वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्या रहेगा, यहां पे सोचना पड़ेगा कि यहां पे क्या पुट होने वाला था। तो इसलिए एक बार पोल आ गया तो उसको पोल ही बने रहने देना, और सवाल करेंगे इस पे और भी। तो जरा बताओ अब यहां से अपन लोग क्या किए, नंबर लाइन डाले, एक आया था वैल्यू x इक्वल टू छ, एक वैल्यू आई है x इक्वल टू चार, एक वैल्यू आई है माइनस वन। अब ये देखो ये तो ऊपर में सिर्फ जीरोज यही है, ये जीरोज है, बाकी दोनों पोल है, बाकी दोनों पोल है। सबसे राइट साइड में प्लस डाला, इसकी डिग्री ऑड, ऑड सब माइनस हो जाएगा, फिर चार की डिग्री ऑड, फिर ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर पीछे आए माइनस वन की डिग्री टू इवन हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का प्लस रहेगा। फिर देखो ये प्लस, ये नीचे गया, ये ऊपर चला गया, अपने को क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए तो x belong to 4 to 6, 6 पे क्लोज, 4 पे ओपन, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज छूट नहीं रही है क्योंकि 6 को हमको इंक्लूड करना था, हमने 6 को इंक्लूड कर लिया है। बात समझ में आई बच्चों? इस पे सवाल और कंटिन्यू करेंगे, अब बाकी सवाल इस पे कंटिन्यू पिछ अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।